Okay, peace be with you all my students. I hope you all are fine and doing great. And we have done exercise 2.7. Yes, we have done exercise 2.7. मैंने आपको क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे. Okay, further we will not do. And only in chapter 2, there is one thing is left, which is on page number. You can see it on page number 35. Open your page number 35. I did it mathematics. Open your page number 35. And meanwhile, I will just share my screen. What you have to do, you just underline or just mark this thing, relationship, yeah, relation between HCF and relation between HCF and LCM. कि आपका जो relation है LCM and HCF of the given numbers वो क्या है? ठीक है? What is the relation between HCF and LCM? ठीक है? There is a formula. What is that formula? If we multiply LCM and HCF of the given numbers, ठीक है? If we multiply yet product, if we take product of HCF and LCM of the given numbers, that numbers is equal, that HCF and LCF multiple, जो product है, answer है, वो किसके equal होगा? Product of the given numbers. ठीक है, क्या है मतलब आपका जो कोई numbers आपको given है कि आपने इसका HCF and LCM find करना है. Let's suppose. ठीक है, जब आपके पास गिवन होगा तो अगर आप उन खाली नंबर्स का, ठीक है, जब आप नंबर्स का प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो इन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं उसके एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के. ठीक है, अब ऐसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देयर इज एन एग्जांपल, आपने ले लिया एग्जांपल 24 एंड 18. देयर आर टू नंबर्स which are given, okay, that you have to find the LCM of H, you have to find the relation between, what is the relation between HCF and LCM. ठीक है, तो आपने बता देना है कि जो LCM और HCF को अगर हम multiply करें, ठीक है, तो किसके equal आता है? जो given number है उसके product के equal आता है. ठीक है, it is so easy, it is on page number 35. ठीक है, ये page number 35 पे है. Now 24 and 18. As we can see in this, we have to find LCM and HCF of 24 and 18. ठीक है, हमने 24 and 18 का HCF भी find करना है और LCM भी find करना है. HCF अगर हमने वो division methods के साथ find करें, you can use any method to find HCF. क्योंकि वो आपको how know होनी चाहिए कि how many methods are there and आपने कौन सा method find करना. ठीक है, तो आपने HCF लिया. ठीक है, HCF को मैंने इसको किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ. ठीक है, तो फ्रॉम लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना था, उसमें से जो आपका स्मॉलेस्ट है वो आपका डिवाइजर होता था. ठीक है, और जो आपका ग्रेटेस्ट है वो आपका डिविडेंड होता था. क्लियर, स्मॉलेस्ट क्या है? डिवाइजर. एंड जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है? डिविडेंड. एंड फर्दर वी विल डिवाइड दिस थिंग. ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे एक दफा, नॉट इन द पॉइंट फॉर्म, एक दफा डिवाइड करोगे, व्हाट इज द रिमाइंडर? जो रिमाइंडर आएगा ना, द रिमाइंडर व्हिच केम, वी विल फर्दर दैट रिमाइंडर कन्वर्टेड इनटू डिवाइजर इन द स्टेप 2 अंटिल वी गेट द रिमाइंडर 0. वी विल डिवाइड, वी विल फर्दर सक्सेसिवली डिवाइड दीस थिंग्स. ठीक है, अंटिल वी गेट द रिमाइंडर 0. ठीक है, अब इसमें तो 6 आ रहा है. अब जब रिमाइंडर 6 आता है तो हम क्या करते हैं, इस 6 को हम डिवाइजर कर लेते हैं. ठीक है, डिवाइजर कंसीडर करते हैं, और आपका जो स्टेप 1 में, पिछले स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में जो आपका डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड कर देते हैं. मतलब आपने आपका जो पिछले स्टेप में डिवाइजर था उसको हम डिवाइड कर लेंगे योर रिमाइंडर विद योर रिमाइंडर. ठीक है,
Now, 18 is completely divisible by 6. Yes, 18 comes in 6 times table at the place of 3. So 6 threes are 18. 6 threes are 18. So we get the remainder. What we get? We get the remainder as 0. Now there. ठीक है. अब जब आपके पास 0, that is 0. Cross means 0. अब आप जब आपके पास जो जिस नंबर से जिस स्टेप पे आपका जो है रिमाइंडर 0 आता है, उसका जो डिवाइजर होता है दैट इज HCF, दैट इज HCF. सो हमने HCF फाइंड कर लिया. LCM मैंने कल आपको बताया कि आपने टुगेदर विद द डिवीजन मेथड कैसे LCM फाइंड करना है. 24 और 18 को लेके हमने टुगेदरली इसको सॉल्व करना है. ठीक है, आपने इसको फाइंड करना है. ये फाइंड कर लिया, आपका LCM जो है वो 72 डिराइव हुआ. 72 कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 रिमेनिंग. पेयर्स मैंने आपको बोला था कि जो इजी लगता है आप पहले उसको पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. अब 4 4 मल्टीप्लाई बाय 6 4 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 6 एंड एट द एंड 3. ठीक है, नाउ अगर आप करो 6 3 जा 18 या 4 into 6 क्या होगा है 24. इफ यू मल्टीप्लाई 24 विद 3, ठीक है, तो यू विल गेट द आंसर 72. क्लियर. अब आपके पास क्या आ गया, योर LCM एंड HCF. व्हाट इज योर LCM? व्हाट इज योर LCM? LCM इज 72. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये किया था. व्हाट इज योर HCF? 6. ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या था, अगर हम LCM और HCF का प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल होगा जो आपका नंबर्स गिवन है उसके प्रोडक्ट के. ठीक है, आपके नंबर्स क्या गिवन थे? 24 एंड 18. योर नंबर्स आर 24 एंड 18. ठीक है, तो आपने इनका प्रोडक्ट लेना है और HCF एंड LCF का LCM का प्रोडक्ट लेना है. जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो योर नंबर विल कम इक्वल. ठीक है, सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? इक्वल. क्लियर. सिर्फ इसका मैंने आपको आइडिया देना था कि आपका HCF एंड LCF में क्या, LCM में क्या रिलेशन है. आई विल डेफिनेटली गिव दिस इन योर पेपर कि आपका बेसिकली रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, क्लियर. एंड यस, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. ओके, यू विल हैव टेस्ट ऑन मंडे. वी हैव क्लास ऑन मंडे? नो, वी डोंट हैव अ क्लास ऑन मंडे. इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे. यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे. एवरी वन प्लीज लिसन इट केयरफुली. ऑन थर्सडे यू विल हैव टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2. ओके, ऑन थर्सडे यू विल हैव टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 2. जितना हमने किया है चैप्टर 2 और जितना मैंने आपको करवाया है और जितना मैंने आपको दिया था, यू विल हैव टेस्ट. ओके, आई विल टेक योर टेस्ट. क्लियर क्लियर. आई विल सेंड दिस इन योर ग्रुप एज वेल. ओके, नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6. ओके, और आपने क्या करना है, जब आप टेस्ट करोगे, जब आपने टेस्ट प्रिपेयर करना है, आपने डेफिनेटली यू विल बट यू हैव टू डू डेफिनेटली यू हैव टू डू रिवीजन एक्सरसाइज एज वेल. आपने रिवीजन एक्सरसाइजेस भी करनी है. क्लियर. नाउ व्हाट यू विल डू, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. चैप्टर नंबर 6 इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. इट इज ऑन पेज नंबर 89. ओपन अ पेज नंबर 90. फर्स्ट ओपन अ पेज नंबर 90 ऑफ बुक्स. आई डिड मैथमेटिक्स. ओपन योर पेज नंबर 90. चैप्टर नंबर 6, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. व्हाट इज अलजेब्रा? ठीक है, एंड व्हाट इज द अदर थिंग्स? अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज अल्फाबेट्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स. ओके, इन विच वी यूज अल्फाबेट्स फॉर द अननोन नंबर और टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द नंबर्स. योर वैल्यूज आर गिवन. वैल्यूज मीन्स 3 4 5 6 7, एनी वैल्यू. योर वैल्यूज आर गिवन. व्हाट यू इन अलजेब्रा व्हाट वी विल डू, वी यूज अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट दैट वैल्यू. लेट सपोज आपके पास एक नंबर गिवन है 3. सो व्हाट यू विल डू,
बट वी विल डू, आप थ्री करेंगे, लेट एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू, लुक एट माई स्क्रीन, थ्री. दैट इज ए द बेसिक इन अलजब्रा. बेसिक क्या होता है, वी यूज अल्फाबेट्स इन द इन अलजब्रा. ठीक है. एंड यस, और अरिथमेटिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कौन सी होती है, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स जो आप करते आए हो, जो आपने पीछे किया है, वी यूज ओनली न्यूमरल्स लाइक 1, 2, 3. हम इसमें सिर्फ नंबर्स जो हैं उसमें डिफाइन करते हैं कि इट्स 1, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग. ठीक है. बट इन अलजेब्रा वी यूज अल्फाबेट्स. ओके. देर इज अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, दैट इज इन अलजेब्रा डॉट इज यूज टू एक्सप्रेस द मल्टीप्लीकेशन. वेन एवर वी से दैट प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई दिस थिंग, जब हम प्रोडक्ट का बताएंगे और अगर हम डॉट मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, तो आप क्या करेंगे, बिटवीन दीज आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाने की बजाय, पुट करने की बजाय, राइट करने की बजाय, we use only dot. ठीक है. Dot represents the multiplication. ठीक है. Alisha, you are getting my point? Dot represents the multiplication. ठीक है. ये dot है, ये represent करता है multiplication. In algebra we don't use multiply sign, we use dot as a multiplication sign. अब मैंने आपको बताया कि हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, नॉट न्यूमरल्स, टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. ठीक है. सिंपली रिप्रेजेंट हम करते हैं नंबर को. अब आपके पास एक एग्जांपल है. ठीक है. ब्लैंक प्लस 5. अगर आप मतलब जैसे अरिथमेटिक मैथमेटिक्स करते आए हो, तो आप जल्दी से बता देते कि यहाँ पे 3 आना है. ठीक है. नंबर, क्योंकि हम अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में न्यूमरल्स करते हैं. ठीक है. न्यूमरल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो अननोन वैल्यू है हमारे पास, विच इज इन ब्लैंक. ठीक है. इन द ब्लैंक द अननोन वैल्यू, ये अननोन वैल्यू ब्लैंक में, इस ब्लैंक को हम कहेंगे लेट द ब्लैंक इज एक्स, या अननोन वैल्यू इज एक्स. इन अलजेब्रा वी डिनोट द अननोन वैल्यू एज एक्स. ठीक है. देन एक्स की, हम इस ब्लैंक की जगह पे वी विल रिप्लेस एक्स इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक. ठीक है. एक्स प्लस 5 सेम एज इट इज एंड इज इक्वल टू 8 सेम एज इट इज. क्लियर. नाउ 5 इज एडेड, यहाँ पे एडिशन हो रहा है 5 का. ठीक है. देर इज एन एडिशन ऑफ 5 इन एक्स. ठीक है. तो ऑन द अदर हैंड व्हेन वी जस्ट टेक 5 ऑन द अदर साइड, अगर हम 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. जो चीज इक्वल्स के लेफ्ट साइड पे जो चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अगर हम उसे इक्वल का जो साइन है उसके ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इट विल चेंज द साइन. वो साइन को चेंज होगा, साइन से चेंज आएगा. इट विल चेंज इन द साइन. अगर यहाँ पे एड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन. ठीक है. अगर एड हो रहा है सब्ट्रैक्ट होगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एड होगा. क्लियर. क्लियर. Is it clear? Just show me your reactions. All the things are clear. मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया है कि equal sign लगा हुआ है आपका. ठीक है. आपने कहना है equal के इस साइड से जो चीज add हो रही है या subtract हो रही है, अगर हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, if we just take this thing on the other side, it will change the sign. Sign matlab whether it is addition, whether it is a plus sign, or whether it is a negative sign ya minus sign. Okay, it will change the sign. Agar yahan pe plus ho raha hai to dusri taraf jaake minus ho jayega, agar yahan pe minus ho raha hai to dusri taraf jaake plus ho jayega.
ठीक है, जब भी हम इक्वल्स की दूसरी साइड पे टर्म्स को लेके जाएंगे. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ व्हाट आई गेव यू द समर वेकेशन होमवर्क ऑन वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, व्हाट इज वेरिएबल? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू नो. वेरिएबल इज द थिंग विच कैन बी चेंज, विच इज अननोन. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल निकला है कि जो हम चेंज हो सकते हैं, जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. वेरिएबल एनी टर्म, एनी अल्फाबेटिक टर्म जो होती है, एक्स वाई जी ए बी सी डी ई एफ जी, जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड ना हो, जिसकी हमें वैल्यूज पता ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल विच कैन चेंज, वेरिएबल विच कैन चेंज. सो वेरिएबल क्या हो गया कि जो चेंजिंग का चेंजेस आ रही हैं वो वेरिएबल. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी, द अननोन क्वांटिटी. लुक एट द डेफिनेशन. द अननोन क्वांटिटी दैट कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड लिटरल टर्म और वेरिएबल. वेरिएबल को हम लिटरल टर्म भी कह सकते हैं और वेरिएबल विच कैन बी चेंज और विद द क्वांटिटीज की हमें क्वांटिटी अननोन हो, पता ना हो. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स? कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं? यस, वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड इफ्रा. गिव द एग्जैक्ट एंड गुड डेफिनेशन. दैट इज द अननोन क्वांटिटी दैट कैन टेक एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल. वेरी वेल डन इफ्रा, वेरी वेल डन. ओके, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म्स? कांस्टेंट टर्म्स लाइक न्यू जो नंबर, एनी नंबर, द नंबर्स 5, 7 3, 4, that numbers are called constant. The known quantity, look at the definition, the known quantity. Variable is unknown. Constant is the known quantity whose value does not change is called constant. Okay? अब 5 जो नंबर है उसकी क्वांटिटी अब चेंज हो ही नहीं सकती, ना 5 हो सकती है ना 6 हो सकती है. ठीक है, तो 5 की क्वांटिटी चेंज होकर ना 6 हो सकती है ना 7 हो सकती है. 5 इज कांस्टेंट. ठीक है, नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? जस्ट अंडरलाइन दीज डेफिनेशंस. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो कंटेन करता है बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स व्हिच इज कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ फंडामेंटल ऑपरेशंस. व्हाट आर द फंडामेंटल ऑपरेशंस? फंडामेंटल ऑपरेशंस मीन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. दीज आर योर ऑपरेशंस, दीज आर योर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. एंड वेरी गुड, उसने gave the exact definition, the known quantity whose value does not change is called constant. Very good. Okay? You know each and every definition because I gave this definitions in your summer vacation homework. Okay? Now, just what you have to do, you have to just read these things for your convenience. ठीक है, ये आपकी जो different जो remembrance के आपके remember के जो columns बनेते हैं, you have to just read these things. An expression of the form 4 + y. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो algebraic expression है is combination of variable and constants. ठीक है, algebraic expression variable and constant दोनों contain करता है. ठीक है, अब in this 4 + y, 4 is constant, y is variable. तो वो simple उन्होंने बताया है. ठीक है, now what is monomial, binomial and polynomial? Several parts of an expression connected by addition and subtraction are called terms of the expressions. ठीक है, कुछ terms होती हैं इसके अंदर जिससे further ये आपको find पता चलता जाएगा कि ये terms क्या होती हैं. ठीक है, जिसमें से कुछ parts में आपको पता है कि a plus b is a term, 5 minus b is another term. Okay? Now the algebraic expressions can be, जो आपके algebraic expressions हैं, जो contain करते हैं addition, जो algebraic expressions जो contain करते हैं variable and constant, that can be monomial, binomial and polynomial. And what is the difference between these terms? A monomial expression consists of only one term.
जो आपकी एक ही टर्म होगी दैट मीन्स मोनोमियल है, ठीक है, उसके अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों है, ठीक है। अब बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगी विद द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, एंड पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल कैन हैव थ्री और मोर टर्म्स, ठीक है, जो पॉलिनोमियल है उसमें एटलीस्ट थ्री होनी चाहिए, टू से ज्यादा, ठीक है, एटलीस्ट थ्री और सो ऑन, थ्री से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। नाउ क्या हो गया, मोनोमियल कौन सा होता है, विच कंटेन्स विच हैज या कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म, बाइनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, एंड टर्म्स कैसी होनी चाहिए, विच हैज कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो होता ही यही है कि आपके पास जो है उसके अंदर आपके पास वेरिएबल हो एंड कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। अब जल्दी से हम कुछ क्विक रिव्यू करते हैं कि अगर हमारे पास आपके पास वर्डिंग वर्बल फॉर्म में गिवन हो कुछ चीजें, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हाउ कैन यू कन्वर्ट द टर्म्स विच इज इन वर्बल फॉर्म इनटू एक्सप्रेशन, विच एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ लुक एट द फर्स्ट थिंग, 9 एडिट टू अ नंबर, 9 एडिट टू अ नंबर। नाउ अ नंबर इज अननोन, द टर्म विच इज अननोन इज कॉल्ड वेरिएबल, 9 इज नोन, जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, नंबर अननोन है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, तो क्या हो सकता है, 9 एडिड टू, लेट द अननोन नंबर इज एक्स, आपने कह दिया या ए लिखा हुआ या एक्स बी सी, आप एनी नंबर, यू कैन चूज एनी अल्फाबेट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द अननोन नंबर, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप ए ही यूज करो, आप एक्स वाई जी भी यूज कर सकते हो, यू कैन चूज एनी अल्फाबेट्स, ठीक है। आप नॉर्मली जो होता है वो ए बी सी या एक्स वाई जी नॉर्मली यूज होते हैं बेसिकली टू रिप्रेजेंट द नंबर्स, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल लाइक थिंग्स, फंडामेंटल अल्फाबेटिक नंबर्स, ओके, फंडामेंटल जो नॉर्मली हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ए बी सी और एक्स वाई सी, ठीक है। आपने अननोन नंबर को कह दिया ए, ठीक है, तो उसमें क्या ऐड हो रहा है, 9, तो 9 प्लस ए, यू कैन राइट 9 प्लस ए, क्लियर, दैट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट या विच कंटेन्स वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट एज वेल, ओके। अगर यहाँ होता 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड द टेक्स्ट ओवर हियर, 9 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, सो आप क्या करते हैं, आपके पास जो नंबर है अननोन नंबर, आप कहते हैं लेट अननोन नंबर इज, व्हाट इज अननोन नंबर, आप कह सकते हो एक्स, लेट सपोज एक्स इज अननोन नंबर, ठीक है, तो 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से, तो एक्स अब जो है वो 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 9 के साथ माइनस साइन आएगा, x माइनस 9, दैट इज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द सब्ट्रैक्शन, ओके, फॉर द सब्ट्रैक्शन, ओके। अब अगर आप कहें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट है इनका, तो आप क्या करेंगे, 9x, अब आपको मैंने बताया था जब आपके पास वो बताते हैं कि 9 2 times 9 या 9 times a number, लेट सपोज अगर आपको कहते हैं कि 9 times a number, तो आप 9 times a number पे ये कहते हो कि आपने ले लिया कि x आपने पहले ले लिया हुआ है कि x is unknown number, तो 9 times का मतलब 9 multiply होगा, 9 उसका product होगा, multiplication होगा, तो आप 9 dot x भी कर सकते हो, ओके, और यू कैन राइट और इजीली 9x, देयर इज नो नीड टू
साइन द डॉट और मल्टीप्लीकेशन. आपने मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं प्रेजेंट करने की लगाने की साइन जरूरत नहीं है, ना कि डॉट साइन लगाने की जरूरत है. वेन एवर यू जस्ट राइट 9x ओवर हेयर, दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से. ठीक है, जब भी कोई नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो नंबर्स टुगेदर लिखे इकट्ठे लिखे जा सकते हैं. वी कैन राइट दीज नंबर टुगेदर विदाउट putting any sign, dot or multiplication sign. जैसे 9x है, you can write xy as well. xy मतलब xy का मतलब क्या है? खाली xy लिखेंगे, that means x is multiplying with y. Okay? Clear? And same for the case of division. अब division, look at this. division में आप कहते हो, division में आप division sign नहीं use करते. अगर आप कहते हो 9 is the number is divided by x, divided by 9. आपने कह दिया जो अननोन नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 9 से. जब अननोन नंबर डिवाइड हो रहा है, आपने अननोन नंबर का क्या नाम दिया था? x. x डिवाइड हो रहा है 9 से. आप डिवीजन साइन नहीं लगाते, आप ओवर का साइन लगाते हो, ओवर 9, x डिवाइड बाय 9. क्लियर? या तो ये साइन ऐसे लगता है या ऐसे साइन लगता है, x डिवाइडेड बाय 9. इन डिवीजन वी यूज दिस बार व्हिच यू कैन से ओवर साइन और बार साइन. ठीक है, ये साइन यूज होता है टू रिप्रेजेंट द डिवीजन. क्लियर? टू रिप्रेजेंट द डिवीजन. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सारे फंडामेंटल्स आपको ऑपरेशंस जो हैं वो क्लियर हो चुके हो. ठीक है, what you have to do, you just simply just read these things. ठीक है, आपने यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, in algebra the division symbol is not used. आपने symbols use नहीं करने, multiplication का symbol भी use नहीं होगा उसकी जगह पे. तो आप dot use करते हो algebra में multiplication की जगह पे, लेकिन लाजमी नहीं कि आप dot लगाएं ही लगाएं. In algebra you can simply write the numbers or multiplication without any symbol. ठीक है, अगर आपके पास x y given है तो that means x और y multiply ही हो रहे हैं. x y given है, that means x और y multiply हो रहे हैं. x y z given है, तो दैट मीन्स ये तीन नंबर्स मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं. विद जिस नंबर्स के दरमियान कोई सिंबल नहीं होगा, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. और डिवीजन का साइन क्या है कि आपके पास सिंबल बार जो है, जो ओवर जिसे कहते हैं, जिसे बाय कहते हैं आप लोग, ठीक है, इज यूज फॉर डिवीजन, नॉट दिस साइन. क्लियर? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ जस्ट आई विल सेंड यू द, यू हैव द टेस्ट.